किस मांग को लेकर पुतला फूंका गया और क्या मांगे है? मांगे तो हमारी बिल्कुल जायज है जी, जो सरकार को पता हम क्या मांग रहे हैं, बिल्कुल सरकार को पता है हम क्या मांग रहे हैं, हम हमारे काम के बदले हम दाम मांग रहे हैं और वो देने के लिए सरकार हमसे नाराजगी बढ़ती रही है। और सरकार ये नाराजगी कितने तक बढ़तेगी ये सरकार से पूछ लीजिएगा आप, ये हमसे मत पूछिए कि कितने दिन तक हड़ताल चलेगी और क्या नाराजगी है। हम काम के बदले दाम, जब सरकार हमें पैसे देगी तो हम काम करने के लिए तैयार है, और जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी और 26,000 न्यूनतम वेतन सरकार नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे ही रोड पर रहेंगे और ये हम हड़ताल करने के लिए बिल्कुल जायज मांगों के लिए हड़ताल दिन रात करेंगे। आज हमें अमित शाह का पुतला फूंका है, हमारे रोहतक के साथियों के साथ, जो हमारे साथी बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार के साथ है और उसका मतलब मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे, वो तो हमारे साथियों को वहाँ उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, फिर भी हमारे साथियों ने कहा कि हमारे दो लोगों को अंदर जाने दीजिए, हमारे जो मांग मुद्दे हम वहाँ उसके सामने रखे आएंगे, लेकिन उसको वहाँ नहीं जाने दिया। तो हमारे साथियों को धक्का फैल के वहाँ पर उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ है और हमारे साथियों को रोहतक जेल के अंदर अरेस्ट किया गया है, उसी के लेकर आज हमने अमित शाह का पुतला हर जिलों में फूकाया गया है। आगामी रणनीति यही रहेगी हमारी, जब तक सरकार हमारी मांगों को सही समाजजनक व्यवहार से नहीं सुनेगी और हमारा मानदेय भिक्ष नहीं करेगी, हम तत्पर लड़ने के लिए बिल्कुल सरकार से तैयार रहेंगे। और सरकार ये बहम निकाल दे अपना कि हम ऐसे महिलाओं को भड़का रहे हैं, वो मान जाएंगे, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। और हमारे ये सन 2024 जो चुनाव आ रहे हैं इसमें क्या तो सरकार हमारी मांग मुद्दों पर सहमति जता लेगी ना, हम आने वाले टाइम में सरकार को भी हम बदल देंगे। मेरा नाम सुमन है और मैं जिला सचिव फतेहाबाद।